हे हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो जो है वो आपको शायद पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ करके मैंने एक यूनिक टाइप के प्लांटर बनाया है वो इसका डिटेल्स में इस वीडियो में शेयर किया है। आप भी चाहिए तो ये ऐसे प्लांटर्स बना सकते हैं, आपके घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मटेरियल मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है और ये इसका शेप जो है आप देख सकते हैं बोट शेप में है। तो इसके लिए मैंने ये प्लांटर बनाने के बारे में सोचा और आइडिया भी आया। जैसे मैंने ये चीज़ को देखा तो मेरे माइंड में यही आया कि मैं इसको प्लांटर हैंगिंग प्लांटर्स डालने के लिए मैं इसको प्लांटर बनाऊंगी करके। तो आप देख सकते हैं ये है कोकोनट ट्री का जो ब्रांच रहते हैं वो गिरा हुआ रहता है ना, तो वही सूखा हुआ ब्रांच है ये। तो आपको यकीन नहीं होगा ये कोकोनट ट्री का ही ब्रांच है और आपके घर के आसपास में भी है ऐसे ट्रीज, कोकोनट ट्रीज है। तो फिर आप उधर से ये ढूंढ के, मतलब ये शेप में जो भी आपको ब्रांचेस मिलेंगे बोट शेप में, आप लेके आ सकते हैं। और उसको चाहिए तो आप नेचुरल भी रख सकते हैं। मैं उसकी लाइफ यानी उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए उसको मैंने ब्राउन कलर में पेंट किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल पेंट ब्राउन कलर से मैंने पेंट किया है। पेंट करने से ये बहुत दिनों तक टिका रहेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ किया है। और एडजस्ट में जो है वो गोल्डन कलर से कलर किया है और इसमें मैंने कोई भी होल नहीं किया है। आप देख सकते हैं ड्रेनेज के लिए भी मैंने होल नहीं बनाया है, जस्ट कि इसका मतलब आप होल या फिर छेद करेंगे तो ये इतना टिकावा नहीं रहेगा। वैसे ये बहुत ही हार्ड है, मस्त है, बहुत दिनों तक चलेगा, बहुत दिन भी नहीं बहुत सालों तक चल जाएगा। आप मेरे वीडियोस को, आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर देती रहूँगी बीच बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया है और इसको हैंग करने का है मुझे। आप चाहिए तो रख भी सकते हैं नीचे, लेकिन मुझे हैंग करना है। इसके लिए आपके जगह, आपको जगह नहीं है फिर आप कहीं पर भी रख नहीं सकते हैं, तो फिर आप हैंग भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने चूज़ किया है इसको हैंग करने का। तो हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे जूट के रोप लिया है और उसे मैं हैंग करने वाली हूँ। और अगेन मैं बोल रही हूँ इसमें कोई भी मैंने होल नहीं डाला हुआ है, जैसे नेचुरल मुझे मिला था वैसे ही मैंने यहाँ पे रखा है। कुछ भी कट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, ये जो शेप में मिला था वही शेप मैंने यहाँ पे रखा है। अगेन मैं इसका लाइफ यानी बहुत दिनों तक चलना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे जो है वो प्लास्टिक जो थैली रहते हैं उसका मैं कट करके प्लास्टिक पे यहाँ पे नीचे डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहिए तो ये डाल भी सकते हैं, नहीं तो भी नहीं भी डाल सकते हैं। ये जस्ट एक आइडियाज़ मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपका प्लांटर जो है लंबे टाइम तक चले। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक कवर बिछा दिया है नीचे और उसके बाद मिट्टी डाल दिया है और ये मिट्टी सूखी है। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के इसको गीला कर रही हूँ ताकि मैं जो भी प्लांट्स कटिंग्स जो लेके आई हूँ वो अच्छे से बैठ सके। तो आप अगर इसको नीचे रखने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप उसके हिसाब से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बोला मैं हैंग करने वाली हूँ, इसके लिए मैं हैंगिंग प्लांट्स के कटिंग को मैं यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग्स जो है वो सनरोज़ की कटिंग्स है, ये सनरोज़ प्लांट के कटिंग्स है और वही मैं यहाँ पे ग्रो कर रही हूँ इसमें। और आप प्लांट्स को ऐसे चूज़ कीजिए जिसके रूट्स बहुत ही कम आते हैं, तो ऐसे प्लांट्स आप इसमें आराम से ग्रो कर सकते हैं और इसका डब्बी उतना भी छोटा नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी वेस्ट मटेरियल है, आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप कैसे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम नेचुरल मटेरियल यूज़ करके मैंने यहाँ पे प्लांटर बनाया है, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पे सिर्फ मैंने पेंट के लिए ही जो है पैसा डाला है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें।
और ये एक यूनिक सा प्लांटर रेडी हो गया है। तो ये यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये इतना सुंदर, इतना खूबसूरत दिखता है, इतना खूबसूरत, मतलब आपके गार्डन को एक अलग ही लुक देगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप ऐसे ही यूनिक वीडियोस आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और आपके फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।